देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सही कहा तुमने, सामान पैक करना जरूरी था। तो मैंने सामान पैक कर दिया। पर दामनी का नहीं, तुम्हारा। और इस घर से दामनी नहीं, तुम जाओगी। आज तक इस घर में जितनी भी परेशानियां आई है ना, सब तुम्हारी वजह से आई है राधा। इसलिए अब इस घर से तुम्हें जाना होगा। लो। हम कहीं नहीं जाएंगे मोहन जी। तुमने तो कहा था कि तुम इस घर से जाने के लिए तैयार हो। तुम्हारा काम पूरा हो गया तो अब क्या हो? वो बात तब की थी जब दामिनी जिजी घर से चली गई थी, पर अब हम अपना सब कुछ दामिनी जिजी के हवाले करके नहीं जा सकते। अच्छा, अरे एक नंबर की झूठी धोखेबाज हो तुम। तुमने तो कभी इस घर से चाहना ही नहीं था, है ना? इस घर को ना दामिनी जीजी को सौंप कर हम अपने परिवार का ही सत्यानाश नहीं होने दे सकते। राधा बिल्कुल सही कह रही है मोहन, इस घर को राधा की जरूरत है और तुम्हें भी राधा की जरूरत है। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, मतलब तुम्हें धक्के मारकर निकालना पड़ेगा। मोहन जी, आज अगर आप हमें इस घर से निकाल देंगे तो आप अपनी गुनगुन को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। कोर्ट की 6 महीने की शर्त तो याद है ना आपको? ये कस्टडी पेटिशन मैं 6 महीने बाद दोबारा रिव्यू करूंगी। तब तक राधा मोहन को ये प्रूव करना होगा कि ये गुनगुन के अच्छे पेरेंट्स हैं। अगर इन 6 महीनों में कुछ गलत हुआ तो गुनगुन की कस्टडी नर्मदा जी को दे दी जाएगी। याद है मुझे, ये भी देख रहा हूं कि कैसे तुम गुनगुन को बीच में लाकर मेरा फायदा उठा रही हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ब्लैकमेल करने नहीं दूंगा। मैं कोर्ट में आके लड़ूंगा, गुनगुन के लिए अपील करूंगा। मैं गुनगुन हमें कभी इस घर से जाने ही नहीं देगी। गुनगुन, 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 नहीं सुन सकती गुनगुन तुम्हें, इसलिए अपनी नौटंकी बंद करो तुम। पर आज तुम्हारा इस घर में और मेरी जिंदगी में आखिरी दिन है। मैं तुम्हें गुनगुन का और इस्तेमाल करने नहीं दूंगा। आज तुम्हारे जाने के बाद गुनगुन को बुरा लगेगा, वो रोएगी, लेकिन मैं हूं ना, मैं उसका ख्याल रखूंगा। सारी खुशियां देने की कोशिश करूंगा मैं उसे, पर अब तुम्हारा खेल खत्म। मोहन तो सच में राधा को घर से बाहर निकाल रहा है। लोगों के लिए भले ही शिवरात्रि हो, हमारे लिए तो आज दिवाली है। दिवाली,
नहीं। मोहन तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, राधा को घर से मत निकालो मोहन। मोहन मामा जी भूषण ये यहाँ तुम ठीक तो जी आओ चलो आओ बेटा आओ। भूषण तू जी जीते रहो भैया। कैसे हैं आप? मामा जी जो नारी का सम्मान ना कर सके वो किसी और का सम्मान क्या करेगा? ये क्या व्यवहार कर रहे थे तुम बहू के साथ? उसे घर से बाहर निकाल रहे थे? जी मैं जानता हूं आप औरतों की बहुत इज्जत करते हैं, पर ये लड़की इज्जत के लायक नहीं है मामा जी। अगर आप इसकी करतूतों के बारे में सुनेंगे तो आप भी यही करेंगे। पहले गुनगुन को अपने जाल में फंसाया, मुझसे जबरदस्ती शादी की, फिर मेरी मां को अपनी तरफ करके घर की चाबी हत्या की।
और इतना बस नहीं था कि मेरी माँ और दामिनी को जेल भी भिजवा दिया इसने। मामा जी, आप इस राधा को जानते नहीं हैं। एक नंबर की चंट लड़की है ये। तुम्हारे मामा ने दुनिया देखी है बेटा। हम ऐसे ही नहीं इतनी बड़ी नारी मुक्ति संस्था को चला रहे हैं। उम्र बीत गई है हमारी दुखियारी औरतों की सहायता करते करते। सूरत देखकर सीरत का पता चल जाता है हमें। और इसका चेहरा कह रहा है कि ये किसी के साथ कुछ भी गलत कभी कर ही नहीं सकती। देखो इसके चेहरे को, देखो कितनी भोली है, कितनी मासूम है। इसकी आंखों में दिख रहा है कि इसके दिल में तुम लोगों के लिए सम्मान है, प्यार है। इसके आंसू बता रहे हैं कि ये मोहन से प्यार करती है। मोहन पर भरोसा करती है। और मोहन, तुम ही ने आज इसके भरोसे को तोड़ दिया। नहीं नहीं मामा जी, माफ कीजिएगा, पर ना तो ये भोली है ना ही मासूम। और ये बिना फायदे के ना तो किसी से प्यार करती है ना किसी की इज्जत। और आंसू का क्या ही बताएं मामा जी, एक पल के लिए मगरमच्छ के आंसू सही हो सकते हैं पर इसके नहीं। क्योंकि ये झूठी है मक्का और 420 लड़की है। बस मोहन, बस। ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो तुम? कादंबरी, क्या यही सीख दी है तुमने इसे? और इस घर में क्या औरतों का इसी तरह सम्मान किया जाता है? आप राधा की असलियत नहीं जानते। इसका इस घर से चले जाना ही हम सबके लिए बेहतर है। ये सिक्का भी खोटा हो गया। हाँ? दामिनी, तुम तो इस घर को जोड़ के रखने में मानती थी। तुलसी के जाने के बाद तुमने इस घर को कितनी अच्छी तरह से संभाल के रखा था। लेकिन अब क्या हो गया तुम्हें? मोहन को खोने का डर तुम्हारे सर पर इतना चढ़ गया कि सही और गलत का फर्क तुम्हें महसूस ही नहीं हुआ। आपने तो आते ही कहानी का सार पकड़ लिया मामा जी। अरे भूषण, तू समझ नहीं रहा है, ये औरत एक नंबर की नौटंकीबाज है। अरे झूठ बोल के हमारे मोहन को फंसा कर उसके साथ शादी की है। हाँ मामा जी, ये लड़की इस घर में सिर्फ और सिर्फ पैसों के चक्कर में आई है। राहुल प्लीज, मामा जी जब से इस घर में आई है ना, एक पल की शांति भी नसीब नहीं हुई है हमें।
हर रोज कोई नया ड्रामा खड़ा कर देती है। बस हमें कुछ और नहीं सुनना। हमें राधा पर पूरा भरोसा है। किसी से कोई कहानी हम नहीं सुनना चाहते। यहां आने से पहले हम पूरी छानबीन करके आए हैं। सब कुछ पता है हमें। कि कितनी बार राधा ने अपनी जान को खतरे में डालकर तुम्हारी और गुनगुन की जान बचाई है। चुड़ैल की वजह से ही हम लोगों की जान फंसी हुई है। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? जीजी, जीजी आप हमसे बड़ी हैं, लेकिन आपकी अकल बड़ी हुई ही नहीं है। अपनी बेटी दामिनी को समझाने के बजाय आप राधा और मोहन की जोड़ी को तोड़ने में बढ़ावा दे रही हैं। हमें जीजा जी का फोन आया था ये कहने के लिए कि कादंबरी को पुलिस ले गई है। इसलिए हम दिल्ली से भागे भागे यहां पर आए हैं, क्योंकि सरकार में हमारी बहुत पहचान है, यहां के एमएलए से हमारी पुरानी मित्रता है। पुलिस को हम संभाल लेंगे, लेकिन यहां तो हमारी पूरी की पूरी फैमिली बिखर गई है। हमारी बहू को सत्कार सम्मान देने की बजाय उसे अपमानित करके घर से बाहर निकाला जा रहा है। भैया प्लीज, भगवान के लिए आप शांत हो जाइए। बहुत सालों बाद हमारे घर में आए हैं, आपकी आंखों में ये आंसू शोभा नहीं देते। अरे प्लीज आप शांत हो जाइए। मामा जी, अगर हमारे परिवार को बिखरने से बचाना है ना, तो राधा को इस घर से जाना होगा। वो भी अभी इसी वक्त। राधा कहीं नहीं जाएगी। मामा जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। इस बार सवाल मेरी मां की इज्जत का है। राधा की वजह से मेरी मां को जेल जाना पड़ा, तो अब राधा इस घर में नहीं रह सकती। तुम्हारा घर है, तुम्हारी पत्नी है, जो करना चाहो करो। हम कौन होते हैं बोलने वाले? भैया, इस घर में औरत की इज्जत नहीं है, और जिस घर में औरत की इज्जत नहीं है वहां हम एक पल भी नहीं रहेंगे। भूषण, ये क्या? भूषण, हमारी बात सुनो। भैया प्लीज, हमें छोड़िए। भगवान के लिए रुक जाइए ना भैया। मोहन, रोक लो अपने मामा जी को। लेकिन जो राधा ने आपके साथ किया ना, उसके बाद मैं राधा को इस घर में रहने नहीं दे सकता। मां, ठीक है, अगर बात हमारी ही है तो हम ही कह रहे हैं, राधा कहीं नहीं जाएगी। भैया, कहीं नहीं जाएगी राधा।
मामा जी प्लीज ऐसे नाराज होके मत जाइए, रुक जाइए। मामा जी प्लीज रुक जाइए। आप छोड़िए हमें। भैया रुक जाइए ना भैया। मामा जी प्लीज। ना आप इस घर से जाएंगे ना राधा।